वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आने जा रही तमिल सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नंबर वन, अयालान। शिवा कार्तिकेयन स्टारर अयालान इंडियन सिनेमा की काफ़ी यूनिक और डिफरेंट फिल्म होने वाली है, जो कि एक एलियन और पृथ्वी के लोगों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाएगी। साथ ही में इस फिल्म के अंदर हैवी VFX और CGI का भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर काफ़ी सारे एक्शन सीन्स भी होंगे और ये फिल्म 2024 में संक्रांति पर रिलीज़ होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस फिल्म को पिछले 5 सालों से बनाया जा रहा है। नंबर टू, लाल सलाम। विष्णु विशाल स्टारर फिल्म लाल सलाम, जिसमें हमें स्पेशल अपीयरेंस में थलाइवर रजनीकांत भी नज़र आएंगे। ये फिल्म क्रिकेट के साथ साथ धर्म और बाकी पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी दिखाएगी और ये फिल्म भी संक्रांति 2024 पर ही रिलीज़ होगी। नंबर थ्री, कैप्टन मिलर। धनुष एक ऐसे एक्टर है जिनकी साल में 2 से 3 फिल्में रिलीज़ होती है, लेकिन उनकी हर फिल्म एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। और इसी के चलते उनकी आने वाली फिल्म कैप्टन मिलर एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जो कि ब्रिटिशर्स के एरा में सेट होगी। और ये फिल्म अपने टीजर से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट नज़र आ रही है और जल्दी इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ किया जाएगा। ये फिल्म भी संक्रांति 2024 में रिलीज़ होने के लिए स्केड्यूल्ड है। नंबर फोर, तंगलान। चियान विक्रम तमिल सिनेमा के एक ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्में फ्लॉप हो या हिट, लेकिन उनके डेडिकेशन में कोई भी कमी नज़र नहीं आती। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मूवीज़ दी है और उन्हीं में से एक है उनकी आने वाली फिल्म तंगलान। ये फिल्म 2024 में इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्म नज़र आ रही है, जो कि KGF के बैकड्रॉप पर सेट होगी। और ये फिल्म चियान विक्रम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चियान विक्रम इरुमुगन फिल्म के बाद अभी तक कोई भी सोलो हिट फिल्म नहीं दे पाए। तंगलान पहले 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन रूमर्स के हिसाब से ये फिल्म अब 29 मार्च 2024 को रिलीज़ हो सकती है। नंबर फाइव, कंगुआ। सूर्या भी उन एक्टर्स में से है जिन्हें अपने कमबैक की सख्त ज़रूरत है। 24 मूवी के बाद उनकी जितनी भी फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, वो सारी फिल्में या तो फ्लॉप या डिज़ास्टर रही है। और इसी कारण से उनके कमबैक की सारी उम्मीदें उनकी आने वाली फिल्म कंगुआ पर है, जो कि एक पीरियड एक्शन वाइकिंग ड्रामा फिल्म होगी, जो कि प्रेजेंट और पास्ट की टाइमलाइंस को दिखाएगी। पर्सनली 2024 में जितनी भी तमिल फिल्में आएगी, उसमें से सूर्या की कंगुआ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये फिल्म समर 2024 में रिलीज़ हो सकती है। नंबर सिक्स, थलापति 68। तमिल सिनेमा के नंबर वन सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म, जिसे वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं, ये फिल्म भी 2024 में आने वाली है। तब इस मूवी के अंदर हमें शायद टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा। रूमर्स के हिसाब से इस फिल्म का टाइटल गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट मे बी 31 दिसंबर या 1 जनवरी को रिलीज़ हो सकती है। नंबर सेवन, विड्डा मुयार्ची। थला अजीत कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म विड्डा मुयार्ची, जिसे डायरेक्टर मगल तिरुमणि डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये फिल्म भी 2024 में रिलीज़ होने के लिए स्केड्यूल्ड है। और इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया और रूमर्स के हिसाब से इस फिल्म की भी रिलीज डेट 31 दिसंबर या 1 जनवरी को अनाउंस हो सकती है। नंबर एट, वेट्टेया। जेलर जैसी ब्लॉकबस्टर कमबैक फिल्म देने के बाद रजनी सर की अगली फिल्म जय भीम फेम डायरेक्टर टीजे न्यानवेल के साथ होगी और उस फिल्म का टाइटल रखा गया है वेट्टेया। इस फिल्म के अंदर रजनी सर एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करेंगे, जो कि फेक एनकाउंटर्स के केस को सॉल्व करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। रूमर्स के हिसाब से ये फिल्म अगले साल मई के महीने में रिलीज़ हो सकती है। नंबर नाइन, इंडियन टू। विक्रम फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद फाइनली कमल हसन अपनी 1996 की फिल्म इंडियन के सीक्वल में नज़र आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये फिल्म उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म होगी, क्योंकि शंकर सर इस फिल्म से अपना कमबैक करने वाले हैं। इंडियन टू 2024 के अप्रैल महीने में रिलीज़ हो सकती है। नंबर टेन, वावातियार। जापान जैसी डिजास्टर फिल्म देने के बाद कार्तिक की जो अगली फिल्म होगी उसका टाइटल रखा गया है वावातियार, और ये फिल्म भी 2024 में रिलीज़ होगी, जिसे डायरेक्टर नलन कुमार स्वामी डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस फिल्म में कार्तिक के अपोजिट हमें कृति शेट्टी नज़र आएगी। नंबर 11, D50। कैप्टन मिलर के बाद धनुष की अगली फिल्म होगी D50। अभी तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंस नहीं किया गया, D50 इसका टेंटेटिव टाइटल है। इस फिल्म में हमें धनुष के अलावा SJ सूर्या और संदीप किशन भी नज़र आएंगे और इस फिल्म को धनुष ने खुद ही डायरेक्ट किया है। नंबर 12, SK21। अयालान के बाद शिवा कार्तिकेयन हमें एक आर्मी बेस्ड मूवी में नज़र आएंगे, जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया है SK21। और इस फिल्म में हमें शिवा कार्तिकेयन के अपोजिट साई पल्लवी नज़र आएगी और ये फिल्म भी 2024 के एंड होने से पहले पहले रिलीज़ हो सकती है।
सो ये थी साल 2024 में रिलीज़ होने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड तमिल मूवीज़। आप इसमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।